Good morning, students. I am Vinit Uttam, your assistant period. Your assistant teacher. And today we are going to discuss the Gupta and the post Gupta period. So in this chapter, we will discuss about the Gupta period and local administration in the Southern Kingdom. ठीक है? तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त वंश में और जो गुप्त वंश का समय का टाइम था और उसके बात. सो लेट्स स्टार्ट द गुप्ता पीरियड. द गुप्ता डायनेस्टी रोज द प्रोमिनेंस इन द 4th सेंचुरी ईसी अंडर द ग्रेट रूलर द चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त सेकेंड और विक्रमादित्य. ठीक है, तो ये जो समय था, ये पीरियड मतलब 4th सेंचुरी के आसपास का था, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये रूलर्स रहे. और इसको इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है मतलब प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है. ठीक है, अब द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्रीगुप्त. श्रीगुप्त मतलब डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे. ठीक है, ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब इसका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं. तो सबसे पहले तो देखिए लिटरेरी, तो जो उस समय के ट्रेवलर्स थे या उस समय के लोग थे उनसे हमको पता चला. फिर इंक्रिप्शंस, मतलब कि जो रूलर्स थे वो लोग क्या कराते थे, उनके समय के जो इंक्रिप्शंस थे तो उससे हम लोगों को पता चलता है. फिर इसके बाद सील एंड क्वाइंस, जो उस समय के मोहर थी जो क्वाइंस थे उनसे पता चला. आर्ट एंड द मॉन्यूमेंट्स, जो बिल्डिंगें उस समय बनाई गई थी, जो इमेजेस थी बुद्धा की, जो तो उनसे भी सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली गुप्ता, मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, 322-35 CE के बारे में. ठीक है, तो गुप्ता वास द वेसल ऑफ द कुशांस. ठीक है ना, मतलब कि कुशान वंश में एक छोटा सा क्या था, एम्पायर था, बहुत छोटा सा टाउन टाइप का एम्पायर था. फिर इसके बाद जब कुशान वंश का मतलब जो डिक्लाइन हुआ, तो जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कमांड संभाली और क्या किया, उस जो राज सिंहासन को मतलब राज सिंहासन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया. और एक्वायर करने के बाद उस पर अपना राज करना शुरू कर दिया. एंड ही वॉलिस द टाइटल ऑफ द महाराजा दीपक. ठीक है, तो बाद में उन्होंने अपने आप को मतलब कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप को महाराजा अधिराज की उपाधि दी थी. फिर इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, 335-375 ईसा पूर्व की बात है. चंद्रगुप्त फर्स्ट वास्त सक्सीड बाई सन समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बेटा था, ग्रेट रूलर थे, 50 सालों तक उन्होंने रूल किया और बहुत सारे अच्छे काम भी किए, है ना. ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर एंड वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब वो बहुत अच्छे कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे. और जो उनका मतलब भारत में जो उनको भारत का उनको नेपोलियन कहा जाता है. ठीक है, उनके बारे में जो मेन सोर्स है वो इलाहाबाद के पिलर से मिलती है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है. ही वॉज कंपोज्ड बाई हिज कोर्ट पोएट हरिसेना. ठीक है ना, तो हरिसेना जो उनके राज दरबार में रहते थे, जो कवि थे, उनके द्वारा कंपोस्ट किया गया था. ठीक है, नाउ चंद्रगुप्त सेकेंड और विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त सेकेंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से ही वो फेमस थे. उनकी दरबार में बहुत सारे जो कवि थे या जो उस समय के ग्रेट पोएटर्स थे वो लोग रहते थे. नवरत्न कहा जाता था उनको, 9 जेम्स कहते थे उनको. क्या कहते थे, 9 जेम्स. उसमें कालिदास भी उनके राज दरबार में रहा करते थे. अब देयर आर द इंस्क्रिप्शंस अबाउट हिज अचीवमेंट्स एज द उदयगिरी, मथुरा एंड सांची एज एंड द आयरन पिलर ऑफ द मधुरा मेहरौली डेली. मेहरौली का जो लौह स्तंभ है
मथुरा और जो उदयगिरी है, सांची है, यहाँ से उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। फोर्थ सेंचुरी के आसपास जो चाइनीज ट्रेवलर्स था फाहियान, वो भारत पर आया था और इनके समय में वो यहाँ पर रहा। लेटर गुप्तों के बारे में बात करेंगे, आफ्टर द चंद्रगुप्त सेकेंड, मतलब कि चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद तो कुमार गुप्त हुए, वो पावरफुल किंगडम रहे जिन्होंने 40 साल तक रूल किया। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें, उनके प्रशासन के बारे में बात करें, तो थ्रू लाइक द किंग्स द एंजॉयड द इंस्ट्रक्टिव पावर्स द गुप्ता रूलर्स वास द डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब पावर उनके हाथ पे आ गई तो उनकी मतलब कि शक्तियाँ थी वो डिसेंट्रलाइज्ड होने लगी, मतलब एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाई, धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो विघटित होने लगी। छोटे छोटे गांव जो विकसित थे, वहाँ के जो सेनापति हुआ करते थे, जो मंत्री होते थे वो अपने हिसाब से लोगों को रखने लगे, चीज़ों का जो वहाँ का कंट्रोल था वो धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता चला गया और वो क्या हुआ, बाद में उसका बंटवारा होने लगा, बंटवारा मतलब शक्तियों का बंटवारा होने लगा। ठीक है, रेवेन्यू के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो द लैंड रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, मतलब जो भूमि कर था वो सबसे बड़ा रेवेन्यू माना जाता था उस समय के हिसाब से। द टैक्सेस वर्स पेड बाय द फार्मर्स मर्चेंट्स द आर्टिशियंस एंड द क्राफ्ट पर्सन्स, मतलब कि जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, मतलब क्राफ्ट बनाने वाले, इन सबसे कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू और उसको मिलिट्री में और जो और भी वेल्थ मतलब पब्लिक वेल्थ के काम होते थे उनमें यूज़ किया जाता था। मिलिट्री पावर्स के बारे में बात करें तो गुप्ता रूलर्स मेंटेन द वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई उन्होंने, जिसमें पैदल चलने वाले, घोड़सवार और आपके रथ, हाथी, इन सब का उन्होंने प्रयोग किया था। हम लोग बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, तो उस समय की जो सोसाइटी थी लगभग फार्मर्स पर बेस्ड थी, सिंपल लाइफ जीते थे, बट जो टाउन और सिटीज़ होती थी वो रिच जो लाइफस्टाइल है उसको क्या करते थे, जीते थे। ठीक है, व्यापार गुप्ता अगर एम्पायर के बारे में बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने और ईस्टर्न रोम एम्पायर या वेस्ट एशिया, अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जिनके साथ उनके व्यापार होते थे। धर्म के बारे में बात करें तो देखिए बहुत सारे धर्म के लोग उस समय थे, लेकिन जिसमें बौद्ध धर्म बेसिकली वहाँ पर चलता था और इसके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु और शिवा, मतलब शिव, भगवान शिव, ये बहुत पॉपुलर देवी देवता माने जाते थे जिनकी पूजा वहाँ पर होती थी। अगर इंड के बारे में हम लोग बात करें, टूवर्ड्स द इंड ऑफ द गुप्ता पीरियड इंड्रा ब्रोक इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ द माइनर किंगडम्स एंड बिकम अ वेरी पावरफुल, मतलब कि गुप्ता पीरियड के बाद जो भारत था वो बहुत छोटे छोटे भागों में किंगडम्स में बट गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो पावर है वो क्या किया, स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग बात करेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। 17th सेंचुरी के आसपास की बात है, हर्षवर्धन बिकम द रूलर ऑफ द थानेश्वर, ये आज थानेश्वर इस समय हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना, और वो 16 सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए हर्ष चरित्र जो उनकी बायोग्राफी है उससे हमको बहुत जानकारी मिलती है, जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी और संस्कृत में लिखी गई है, वो जो रिटेन इन संस्कृत बाई बाण भट्ट जी का, संस्कृत में लिखी गई है और बाण भट्ट ने उसको लिखा है। ह्वेन सांग आ चाइनीज ट्रेवलर जिसने भारत का दौरा किया था उन्हीं के समय में, और फिर इसके बाद इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस, मतलब उस समय के जो लेक थे और जो सिक्के थे उनसे जानकारी मिलती है, और हर्ष वर्क द इंक्लूड द रत्नावली एंड द नागरंदा, ठीक है ना, तो वहाँ से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्ष, मतलब हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था,
तो जो एम्पायर था वो छोटे छोटे उद्दिक्स में प्रोविंस में क्या था, डिवाइड था। फिर इसके बाद व्यास जो था वो डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, और वो विलेजेस में डिवाइड था, है ना। डिस्ट्रिक्ट जो था वो विलेजेस में डिवाइड था, जिसके हेड को मतलब गांव के जो हेड होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, है ना। और जो मेन सोर्स रेवेन्यू का होता था